हाँ बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ मूविंग फ्रेम, है ना। चलते हुए फ्रेम में प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जेई एडवांस के हिसाब से। कुछ चीज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो यू है, यह है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इट्सेल्फ, ऑब्जर्वर के खुद के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, है ना। तो बेटा यहां सिचुएशन क्या है, यहां पे फर्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये एक ऑब्जर्वर है जो यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से एक चलते हुए प्लेन पे खड़ा है, वी कांस्टेंट है, और ये ऑब्जर्वर खुद के रिस्पेक्ट में एक बॉल को यू वेलोसिटी से फेंक रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये खुद के रिस्पेक्ट में यू वेलोसिटी से फेंक रहा है, कितने एंगल पे, थीटा, खुद के रिस्पेक्ट में। मैंने लिखा है कि यू इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इट्सेल्फ। तो बेटा यहां पर जो टाइम पीरियड होगा ऑब्जर्वर वन के लिए वो वही होगा 2u sin θ/g, जो हाइट होगी वो होगी u² sin² θ/2g, जो रेंज होगी प्रोजेक्ट इसकी ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल की रेंज वो होगी u² sin² θ/g, और ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोलिक, है ना। सिंपल ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा क्योंकि ये जो सब दिया हुआ है ना इनिशियल वेलोसिटीज यू और थीटा, ये इसने खुद के रिस्पेक्ट में ही प्रोजेक्ट किया है, उस केस की दी हुई है। पर अगर इसी कोई ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देख रहा है, समझ गए, ग्राउंड वाले ने अलग से नहीं फेंकी है बॉल, ग्राउंड वाला इसी की बॉल को देख रहा है जो इसने फेंकी है, तो फॉर ऑब्जर्वर टू, अब ऑब्जर्वर टू को क्या दिखेगा। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात एक करते हैं अपन कि एक ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है और एक ऐसी ट्रेन है जो पूरी ग्लासेस की बनी हुई है, कांच की, ट्रांसपेरेंटली अंदर तक दिखता है। तो बेटा ये सोचो आप कि लेट सपोज ट्रेन 20 meters per second से जा रही है और ट्रेन के अंदर एक बच्चा ट्रेन की ही डायरेक्शन में 20 meters per second से जा रहा है, तो ग्राउंड वाले को, ऑब्जर्वर को, उस बच्चे की स्पीड कितनी दिखेगी, 40 ऐड हो जाएगी ना। तो वही सेम चीज़ है कि इसमें क्या होगा कि ये ऑब्जर्वर वन जो है खुद के रिस्पेक्ट में यू से फेंका है प्रोजेक्टाइल को, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये खड़ा है वो खुद भी वी से चल रहा है सेम डायरेक्शन में। तो बेटा ये जो ऑब्जर्वर टू को दिखेगा, ऑब्जर्वर टू को ऐसा दिखेगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री तो हालांकि पैराबोलिक ही होगी पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना, अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी हो गई कुछ वी या लेट्स सपोज यू डैश टू के लिए, तो बदली क्यों, इसलिए बदली क्योंकि बेटा एक्स में जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी इनिशियली यू कॉस थीटा प्लस प्लेटफॉर्म की वी, समझे, यानी प्लेटफॉर्म भी चल रहा है और वो पत्थर की एक्स में वेलोसिटी यू कॉस थीटा है ही यहां पर, तो जो एक्स में ग्राउंड वाले को दिखेगी वो टोटल कितनी दिखेगी, यू कॉस थीटा प्लस वी, और वाई में जो दिखेगी वो वही दिखेगी सेम यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा पहले भी दिख रही थी,
तो बेटा इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होता है 2uy/g, तो वो तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि y की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और g पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो 2u sin theta/g ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, विच विल रिमेन अनचेंज्ड। हाइट जो होगी वो 2, इनफैक्ट हाइट होती है यू वाई का होल स्क्वायर बाय 2g, तो वो वही देखेगी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। जो रेंज है उसमें फर्क पड़ेगा, वो क्यों? क्योंकि रेंज होती है 2ux uy/g। तो बेटा अब 2ux कितना है? ux है u cos theta plus v, uy u sin theta और g सेम है, है ना। और जो ये tan alpha होगा जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया होगा इसके रिस्पेक्ट में, वो होगा y component upon x component total। तो y कितना है u sin theta और x कितना है u cos theta plus v, और motion trajectory तो parabolic होगी होगी, वो तो parabolic ही होगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन next case पे। इस case में बेटा अभी ऑब्जर्वर वन जिस प्लैंक पे खड़ा है वो पीछे जा रहा है वी से, और ऑब्जर्वर वन ने खुद के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना खुद के रिस्पेक्ट में, बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका है एट एन एंगल थीटा। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा और वाई कितना हो जाएगा यू साइन थीटा, और इस केस में u cos theta v से बड़ा है। तो बेटा ये तो वापस से कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा ऑब्जर्वर वन के लिए। फॉर ऑब्जर्वर वन t रहेगा 2u sin theta/g, हाइट रहेगी सेम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज रहेगी 2 इनफैक्ट यू स्क्वायर साइन 2θ/g, और ट्रैजेक्टरी होगी पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ। ठीक है बच्चों, अब अगर यही मोशन ऑब्जर्वर टू देख रहा है, फॉर ऑब्जर्वर टू जो वन ने बॉल फेंकी है उसको ऑब्जर्वर टू देख रहा है, तो बेटा उसको कैसा दिखेगा? उसको जो वेलोसिटी दिखेगी यू डैश, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? एक्स कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा माइनस वी। माइनस क्यों? क्योंकि अब प्लैंक कहाँ जा रहा है? पीछे, है ना। और वाई कंपोनेंट वो तो यू साइन थीटा ही दिखेगा, तो ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक ही होगी, पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रेंज पे पड़ेगा, क्योंकि रेंज होती है 2ux uy/g, तो रेंज हो जाएगी 2ux, ux हो जाएगा u cos theta minus v, uy हो जाएगा u sin theta divided by g, ठीक है। और जो tan alpha होगा, alpha angle of projection है, वो होगा uy by
यू एक्स, तो हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा माइनस वी। ये आ जाएगा बेटा इसमें आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट केस में। इस केस में सिचुएशन सिर्फ इतनी सी अलग है कि जो v है वो u cos थीटा से बड़ा है, पिछले में v u cos थीटा से छोटा था। तो यहाँ पे फिर से वही बात है, ये u cos थीटा हो जाएगा और ये u sin थीटा हो जाएगा, और टाइम ऑफ लाइट वही रहेगा 2u sin थीटा by g, हाइट u square sin square theta by 2g, और रेंज u square sin 2 theta by g। पाथ विल बी पैराबोलिक फॉर ऑब्जर्वर वन, पर अगर यही मोशन ऑब्जर्वर टू देख रहा है, फॉर ऑब्जर्वर टू, तो ऑब्जर्वर टू के लिए जो एक्स में वेलोसिटी होगी, अब बेटा बड़ी सिंपल सी बात है कि एक्स में जो वेलोसिटी होगी ऑब्जर्वर टू के लिए यू एक्स, पहले लिख देता हूं, वो होगा v माइनस u cos थीटा, पर ये होगी बैकवर्ड्स, v माइनस u cos थीटा, पर ये डायरेक्शन किधर होगी, बैकवर्ड्स। ठीक है, और y वाला कंपोनेंट होगा सेम u sin थीटा। ये बैकवर्ड क्यों हुई, क्योंकि प्लैंक जो पीछे जा रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो पत्थर पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो जो पैराबोलिक पाथ दिखेगा वो पैराबोला थोड़ा पीछे दिखेगा। और ये होगा यू एक्स वी माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, और यू वाई होगा यू साइन थीटा, और ये एंगल अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन सेम, हाइट विल रिमेन सेम, और रेंज जो होगी वो हो जाएगी 2ux uy by g, तो रेंज हो जाएगी 2ux हो जाएगा, अब रेंज पीछे की तरफ होगी तो ux हो जाएगा v माइनस u cos थीटा uy u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है बच्चों, अब अगले केस में, केस टू, जब ऑब्जर्वर वन एक ऐसे प्लैंक पे खड़ा है जो एक्सेलरेट हो रहा था, और जिस वक्त ऑब्जर्वर वन ने वेलोसिटी दी बॉल को यू, उस वक्त उस प्लैंक की वेलोसिटी जीरो थी, यानी वो जस्ट रुका हुआ था, पर एक्सेलरेशन कितना था, ए। तो इस केस में बेटा देखते हैं क्या होता है, ये u x u cos थीटा और ये u y जो है u sin थीटा। तो इस केस के अंदर अगर अपन देखें, अब यहां पे फर्क पड़ेगा, अब यहां पे जो
ऑब्जर्वर वन है ना, वो उसने फेक तो दिया खुद के रिस्पेक्ट में यूज है, ठीक है, पर हो क्या रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर वन का वो आगे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन इज ए और बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो ए है, ठीक है, स्टोन का ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यह है कि जो इसको पाथ दिखेगा वो ऐसे ही दिखेगा ऑब्वियसली, टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की तरफ है, तो अगर मैं बनाऊं कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन जो पाथ होगा, अगर ऐसा पाथ है, ये एंगल थीटा, ये यू एक्स यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा, पर ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में एक्स में एक्सेलरेशन भी है, कितना है ए पीछे की तरफ, तो बेटा वाई जो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट है वो तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वाई पे, y के मोशन पे, तो y का मोशन तो सेम दिखेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 u साइन थीटा बाय g, और हाइट होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्योंकि y के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़े, पर x के मोशन में जो ये ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में स्टोन पीछे की ओर एक्सेलरेटेड है। तो बेटा रेंज का अब वो जो फॉर्मूला है कौन सा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, अब ये नॉट वैलिड है, वैलिड नहीं है, इट इज नॉट वैलिड, क्यों, क्योंकि अब ये तब वैलिड था जब एक्स में एक्सेलरेशन ना हो, अब यहां पर एक्स में एक्सेलरेशन है ए पीछे की तरफ, तो बेटा आपको लगाना पड़ेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो एस है डिस्टेंस वो रेंज हो गई, और एक्स की वेलोसिटी यू एक्स हो गई, टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया माइनस हाफ ए एक्सेलरेशन हो गया टी स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू रख दोगे तो रेंज आ जाएगी जो कि नॉर्मल रेंज जो आती है उससे कम होगी क्योंकि रिटार्ड हो रहा है। अब ऑब्जर्वर टू की बात करें तो फॉर ऑब्जर्वर टू के लिए बेटा जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और क्योंकि जिस वक्त स्टोन फेंका गया था उस वक्त ऑब्जर्वर वन भी नहीं चल रहा था, तो ऑब्जर्वर टू के लिए भी स्टोन की वेलोसिटीज एक्स में और वाई में सेम होंगी जो पहले थी, और यू वाई यू साइन थीटा, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g,
क्योंकि ऑब्जर्वर टू के लिए एक बार जब पत्थर हवा में आ गया तो ऑब्जर्वर टू खुद भी रुका हुआ है और पत्थर का एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऑब्जर्वर टू के लिए पत्थर का एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपन आगे अगले केस में। इस केस में सिचुएशन ये है कि इस केस के अंदर ये ऑब्जर्वर ने वन ने स्टोन को सीधा ऊपर उछाला है, ठीक है, खुद के रिस्पेक्ट में। यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन इट्सेल्फ। ठीक है, तो ऑब्जर्वर वन के लिए सीधा ऊपर उछाला है, तो बेटा ऑब्जर्वर वन के लिए जो मोशन होगा पाथ वो स्ट्रेट लाइन होगा। ऑब्जर्वर वन के लिए जो पाथ होगा स्टोन का वो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि उसने खुद के रिस्पेक्ट में ऊपर उछाला है और वो पत्थर सीधा उसके हाथों में आके लैंड करेगा। ठीक है ना, अब पूरी बात सुनना। अभी तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2u/g, मैक्सिमम हाइट u² / 2g और रेंज ऑब्वियसली जीरो, उसके हाथों में आके गिरेगा। पर अगर ऑब्जर्वर टू की बात करें, फॉर ऑब्जर्वर टू, तो बेटा ऑब्जर्वर टू के लिए, क्योंकि ऑब्जर्वर टू ग्राउंड पे है, तो ऑब्जर्वर टू को दिखेगा कि जो ये स्टोन है इसकी वेलोसिटी एक्स में वी है। वी क्यों? क्योंकि स्टोन अगर गाड़ी पे है और गाड़ी वी से चल रही है तो ग्राउंड वाले को तो दिखेगा ही ना कि स्टोन की एक्स में वेलोसिटी वी तो है ही है और वाई में कितने से ऊपर उछाला है? यू से। तो फिर से पैराबोलिक पाथ होगा ऑब्जर्वर टू के लिए स्टोन का, और जो यू ये होगा यू, ये यू वाई हो जाएगा और वी हो जाएगा यू एक्स। तो टाइम जो लगेगा वो होगा 2u/g, सेम रहेगा, हाइट u² / 2g, पर रेंज जीरो नहीं होगी। अब रेंज होगी 2uxuy/g, जो यहाँ पे हो जाएगी 2v(u/g)। ठीक है बच्चों, अब अगर आते हैं अपन नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में सिचुएशन यह है कि ऑब्जर्वर वन ने यू वेलोसिटी से ऊपर उछाला है और खुद ऐसे प्लैंक पे खड़ा है जो कि जिस वक्त स्टोन उछाला है उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब यू तो नहीं बोलेंगे इसको, वी बोल देते हैं अपन, वी प्लैंक जीरो है और स्टोन को ऊपर उछाला है और प्लैंक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो बेटा अब सिंपल सी बात है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज ए बैक साइड। ऑब्जर्वर वन खुद आगे जा रहा है ए से, तो उसको स्टोन पीछे जाता हुआ दिखेगा कितने एक्सेलरेशन से, ए से। ये तो सिंपल सी थ्योरी होती है कि अगर एक मैं ट्रेन में बैठा हूँ जो वी वेलोसिटी से चल रही है और मैं बाहर एक ट्री को देख रहा हूँ जो कि रुका हुआ है, तो वो ट्री मेरे लिए वी से पीछे जा रहा है। तो अगर स्टोन का एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है, पर ऑब्जर्वर वन का एक्स में एक्सेलरेशन ए है, तो ऑब्जर्वर वन के लिए स्टोन का एक्स में एक्सेलरेशन ए पीछे की साइड होगा। तो ये जो ऑब्जर्वर वन है उसको स्टोन ऐसा जाता हुआ देखेगा,
स्टोन स्टार्ट ऐसे होगा और फिर ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा अजीब सा इसका पाथ हो जाएगा, हालांकि पैराबोलिक ही है पर सिमेट्रिक पैराबोला नहीं है। तो जो रेंज होगी, हाइट होगी, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होगा 2u/g, है ना। ये मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन डायग्राम बनाया है। हाइट होगी u² / 2g और रेंज पीछे की तरफ होगी, वो आप निकालोगे s = ut + ½t². तो u बेटा ux कितना है, 0, तो ½at² सिर्फ ये हो जाएगी रेंज। t आपके सामने, a जो भी दिया होगा वो है। पर अगर ऑब्जर्वर 2 की बात करें, फॉर ऑब्जर्वर 2, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज 0 इन x-axis में स्टोन का एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर 2 के लिए 0 है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी तो प्लैंक की भी 0 ही थी, तो ऑब्जर्वर 2 के लिए स्टोन सिर्फ ऊपर जा रहा है यू से, कोई एक्सेलरेशन नहीं है और सीधा नीचे आ जाएगा। तो जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g और हाइट होगी u² / 2g और रेंज हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ मूविंग फ्रेम। इसमें बेटा ऑब्जर्वर 1 एक बॉल को ड्रॉप करेगा एच हाइट से, और वो जिस प्लैंक पे खड़ा है वो प्लैंक कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑब्जर्वर वन के लिए जो पाथ होगा बॉल का वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों बेटा? क्योंकि ऑब्जर्वर वन खुद भी वी से चल रहा है और बॉल की भी एक्स में वेलोसिटी वी है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि बॉल को जब उसने हाथ में लिया हुआ है तो बॉल भी वी वेलोसिटी से चल रही थी, क्योंकि वो भी वी से चल रहा है। और जब एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एक्स में बॉल की वेलोसिटी हमेशा वी रहेगी, तो बॉल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा √2h/g, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। रेंज ऑब्वियसली 0 होगी, उसके स्ट्रेट लाइन पाथ में गिरेगा तो रेंज 0 होगी, और मैक्सिमम हाइट तो h है ही, उसको तो निकालने की जरूरत है नहीं। पर अब ऑब्जर्वर 2 की बात करें, फॉर ऑब्जर्वर 2, है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू के रिस्पेक्ट में बॉल जो है उसका मोशन कुछ ऐसा होगा कि बॉल की वेलोसिटी वी आगे की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर 2 ग्राउंड पे खड़ा है और बॉल जिस ऑब्जर्वर में छोड़ी है वो ऑब्जर्वर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को वेलोसिटी एक्स में दिखेगी वो वी तो दिखेगी, सही ना बात।
तो अगर उसको v वेलोसिटी दिख ही रही है तो जो पाथ होगा वो अगेन पैराबोलिक पाथ होगा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा पाथ होगा पैराबोलिक, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा रूट ऑफ 2h बाय g, और रेंज होगी v इंटू टी, यानी v इंटू रूट ऑफ 2h बाय g। ये था बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ मूविंग फ्रेम।